नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल घर पर पाषाण दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों बीआरओ गरीफ के अंदर जो आपके ड्राइवर इंजन स्टैटिक वाली पोस्ट थी उसके जो है एडमिट कार्ड की लिस्ट वेबसाइट पर आ चुकी है। जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम के अंदर बैठेंगे उसकी लिस्ट वेबसाइट पर आ चुकी है और जिनका लिस्ट के अंदर नाम है उनके जल्दी जो है घर पर लेटर आ जाएगा या घर पर आपके पहुँच चुके होंगे लेटर। ठीक है, 2000 के आसपास कैंडिडेट एग्ज़ाम के अंदर बैठेंगे और इससे पहले जब भर्ती निकली तो उस भर्ती को कैंसिल कर दिया गया था जिसके अंदर आपकी ड्राइवर इंजन स्टैटिक की पोस्टें ज़्यादा थी। लेकिन अब की बार जो है पोस्टें थोड़ी कम है लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आप उसको आराम से क्लियर ना कर सकें। ड्राइवर इंजन स्टैटिक के लिए मैं बता देता हूँ कि आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि बहुत से टॉपिक उसके अंदर ऐसे हैं जो आपको किसी बुक के अंदर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा सिलेबस आप ड्राइवर इंजन स्टैटिक आपका जीके करंट अफेयर्स ट्रेड का जितना भी पूरा का पूरा टॉपिक उसके लिए स्पेशल बैच हमने बनाया गया है। नीचे मेरा मोबाइल नंबर आप देख रहे होंगे, इसके ऊपर आप मैसेज करें और आपको नोट्स और पूरी जानकारी बैच के अंदर दे दी जाएगी क्या कुछ फीस रहेगी। ठीक है दोस्तों, उनका सिलेबस मैं बता देता हूँ कि आपको सिलेबस किस प्रकार से आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करना है क्योंकि समय हमारे पास में अब ज़्यादा है नहीं और अब की बार इस भर्ती के अंदर हमें अपनी वर्दी जो है लेनी है क्योंकि बार बार बीआरओ भर्ती नहीं निकालता और जब भर्ती आती है तो कई बार क्या होता है कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं आता क्योंकि कट ऑफ के ऊपर ही एडमिट कार्ड आता है बीआरओ के अंदर। तो चलिए मैं इसका सिलेबस दिखा देता हूँ कि सिलेबस में आपका क्या क्या रहेगा। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर सेकेंड नंबर का जो है सिलेबस है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऑपरेशन ऑफ स्टैटिक इंजन, स्टैटिक इंजन को किस तरह से चलाना है, जनरेटर सेट और कंक्रीट मिक्सर, ये पूरा का पूरा इसके टॉपिक हैं। फिर आपका है चेकिंग ऑफ फॉल्ट, आपको फॉल्ट यानी कि उसमें दिक्कत को चेक करना है, मेंट ऑफ स्टैटिक इंजन, जनरेटर सेट और कंक्रीट मिक्सर, यानी कि जो आपको मेन मेन टॉपिक इसके अंदर करने हैं वो आपको जनरेटर सेट, कंक्रीट मिक्सर, आपको ये टॉपिक आपको मेन करने हैं। इसके आपको यूजेज किस तरह से आपका इसको यूज करना है, इसकी देखभाल, इसके कलपुर्जे सभी इसके अंदर करने हैं। दूसरा यूज ऑफ फ्यूल ऑयल लुब्रिकेंट स्टैटिक इंजन, इसमें फ्यूल ऑयल और लुब्रिकेंट इंजन ये मेन टॉपिक है, यानी कि 3 से 4 आपके जो है मेन इसके अंदर टॉपिक है और जनरल जीके इसके अंदर पूछी जाएगी। मैथ के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बाकी मैथ का इतना समावेश नहीं रहता। करंट जीके आपके से पूछी जाएगी, जीके आएगी और बाकी आपका ट्रेड से रहेगा। तो तैयारी के लिए जुट जाइए जितने भी कैंडिडेट जिनका एडमिट कार्ड आ चुका है, 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों। और अब बात आती है कि इसके किस प्रकार से आपको जुड़ना है बैच के अंदर। नीचे मेरा मोबाइल नंबर आप देख रहे होंगे, उसके ऊपर आपको केवल मैसेज करना है कि मुझे ड्राइवर इंजन स्टैटिक वाले नोट्स लेने हैं या ड्राइवर इंजन स्टैटिक के बैच में हमें जुड़ना है। तो जितने भी कैंडिडेट बैच ज्वाइन करेंगे उनको सबको जो है नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, उसकी फ़ीस रहेगी, फ़ीस आपको बता दी जाएगी। और आपका जो कंक्रीट मिक्सर का है, जनरेटर सेट का है, वो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। बाकी किसी बुक में करेंगे तो हर बुक के अंदर अलग अलग है और मार्केट के अंदर अगर आप बुक भी परचेज़ करेंगे तो आपको कॉस्टली पड़ेगी, ज़्यादा महंगी पड़ेगी। ठीक है ना, अलग अलग बुकें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा।